इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज़, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। आपसे सवाल किया कि ये जो सीज़ फायर है, क्या ये सीज़ फायर हल है? जी जी, ये सीज़ फायर हल नहीं है। प्लीज प्लीज जी जी, इसका जवाब। 2021 में हुआ, 2021 में अभी हमने ये क्लैशेस देखे, उससे पहले 2018 में हुए थे, कहा सीज फायर कर दो, बंद कर दो, बंद हो गया। उससे पहले 2017 में हुए थे, कहा सीज फायर कर दो, बंद कर दो, फिर हो गया। उससे पहले 2014 में हुआ था, कहा सीज फायर कर दो, बंद कर दो, सारी ताकतें बीच में आ गई, बंद हो गया, फिर हुआ। उससे पहले 2012 में यही हालात थे, 2014 में 7 हफ्ते तक ये सूरत हाल रही थी, 7 हफ्ते तक। अभी तो दूसरा हफ्ता भी खत्म नहीं हुआ। उससे पहले 2012 में जब हुआ, फिर यही हुआ, बैठ जाओ, चुप करो, बैठ जाओ, बच्चों की तरह बिठा दिया उनको, दोनों को सीज फायर कर दो। उससे पहले 2006 में हुआ, 2002 में हुआ, सन 2000 में हुआ। ये तो एक तारीख भरी पड़ी है इनकी। ये कोई पहली दफा और आखिरी दफा हो रहा है कि आप सीज फायर करवा के समझ रहे हैं कि अब ये रुक जाएगा। और वहां जो एक्सपेंशन किया जा रहा है जिस तरह से इसराइल, उसकी सीज, उसको उसको उसका उसको कौन सीज करेगा? ये फायरिंग को तो आप सीज फायर कर रहे हैं, जो एक्सपेंशन हो रही है, जो सेटलमेंट हो रही है वहां पे यहूदियों की, उसको कौन रोकेगा? जो पूरे मगरबी किनारे को, वेस्ट बैंक को, जो इसराइल, जो फलस्तीन के पास था, और उसके अंदर जो सेटलमेंट हो रही है, जो एनक्रोचमेंट हुए जा रही है, उसको कौन रोकेगा? तो ये टोटली एक नॉनसेंस किस्म का एक प्रेशर सीज फायर की सूरत में इन्होंने बना दिया था। सीज फायर एक शॉर्ट टर्म, जारी बात है, फौरी तौर पे तो सीज फायर होना ही था क्योंकि लोग मर रहे थे, मासूम मारे जा रहे थे, बट ये सोल्यूशन नहीं है। एक बात, जहां तक बात है शाह महमूद कुरैशी साहब की, देखिए शाह महमूद कुरैशी साहब ने क्या कहा, वो जो मोहतरमा थी, वो उन्होंने स्पिन किया है शाह साहब की बात को। शाह साहब ने कहा कि इसराइल जो कुछ कर रहा है उसको वेस्टर्न मीडिया नहीं दिखाता उस तरह से, और फलस्तीनियों की मजलूमियत को भी नहीं दिखाता, जिसको स्पिन कर दिया सीएनएन की एंकर ने कि आप यहूदी मुखालिफ जज्बात का इजहार कर रहे हैं। तो ये जो फलस्तीन में जिंदा लाशों का कब्रिस्तान बना दिया इसराइल में, वो आपको नजर नहीं आता? ये जो, हालांकि बिल्कुल वो हक सच की बात कर रहे थे, अब जो गलत होगा उसको गलत भी नहीं कहेंगे, हम खुल के गलत भी नहीं कहेंगे गलत को। इस सारी कवरेज में आप देख लें इंटरनेशनल मीडिया में किसने बेहतरीन कवरेज की है, अल जजीरा ने, सीएनएन, बीबीसी, फॉक्स न्यूज, इसके अलावा इनके सारे अखबार, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, इन्होंने तो बराबर का दिखाने की कोशिश किया हमास को और इसराइलियों को। वहां पर 250 लोग मारे गए, यहां 12 लोग मारे गए, आप दोनों को बराबर एक ही तरह से दिखाना चाहते हैं? वहां 65 बच्चे मारे गए, यहां कुल मौत 65 नहीं हुई है, आप दोनों को बराबरी की सतह पर दिखाना चाहते हैं? इनके पास आयरन डोम एंटी मिसाइल सिस्टम है, इनके पास अमेरिका की तरफ से हर साल $4 बिलियन की मिलिट्री एड मिलती है, आप इनका मवाजना हमास के साथ कर रहे हैं? इनके पास दुनिया का जदीद तरीन असलिया है, इनका मवाजना आप उनके पत्थरों और डंडों के साथ कर रहे हैं जो वो उठा के इनका मुकाबला करते हैं? ये वो इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है, ये वो लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी है इंटरनेशनल मीडिया के जर्नलिज्म में, जिसका इजहार शाह महमूद कुरैशी साहब ने किया कि आपकी जेब के अंदर पड़ा हुआ है, यहूदियों की जेब के अंदर इंटरनेशनल मीडिया, और ये जितने बड़े बड़े मीडिया हाउसेज हैं इनके अंदर क्या ज्यूस के स्टेक्स नहीं है, क्या ज्यूस की इन्वेस्टमेंट नहीं है इनके अंदर? और ये जो, ये कभी इंटरनेशनल मीडिया ने कहा ऑक्यूपाइड फोर्सेस, क्या इसराइली फोर्सेस ऑक्यूपाइड फोर्सेस नहीं है? जब आप उनको ऑक्यूपाइड फोर्सेस नहीं कहेंगे, जब आप उनको अग्रेसर नहीं कहेंगे, और आप इक्वेट करने की कोशिश करेंगे मजलूम फलस्तीनियों को और इसराइल को, तो फिर जो शाह साहब ने बात की वो वही तो है कि आपकी इंक्लिनेशन है इसराइल की तरफ इंटरनेशनल मीडिया की, आपकी इंक्लिनेशन है ज्यूस की तरफ, आपकी इंक्लिनेशन है ज़ायनिज्म की तरफ। और ये जिस अमेरिका में के चैनल सीएनएन की ये एंकर खातून एंटी सेमिटिज्म का सबक पढ़ा रही है शाह साहब को,
इसी अमेरिका ने 14 मई 1948 को हैरी एस ट्रूमैन के जमाने में सबसे पहले इसराइल को तस्लीम किया, जब फौरी तौर पर इसराइल ने अपनी एकतरफा तौर पर आजादी का ऐलान कर दिया। वो दिन और आज का दिन अमरीका इनकी पुष्पनाई पर खड़ा है। अभी जुबान पे छाले पड़ रहे थे जो बाइडेन के एक लफ्ज तक नहीं बोला, वो शख्स एक लफ्ज तक नहीं बोला। तो और आपको क्या चाहिए? जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने बात की, उनका मकसद दरअसल ये कहने का था कि पूरे वेस्ट का जो झुकाव है वो इसराइल की तरफ है, वो इसराइल के वॉर क्राइम्स को प्रोटेक्ट करते हैं, वो इसराइल के वॉर क्राइम्स को सेफ गार्ड करते हैं, और वो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें आईसीसी है, जिसमें यूनाइटेड नेशंस है, जिसमें बाकी इदारे हैं, वो इसराइल को उन इदारों के जरिए से कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते हैं, और वो सारा का सारा नजला गिरा देते हैं फलस्तीनियों के ऊपर जो मारे जा रहे हैं मुसलसल, और जिनकी जमीन सुकड़ 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 के बिल्कुल एक तंग नाली की तरह रह गई है। तो ये शाह साहब ने कहा, जिसको फौरी तौर पर वो मोतबा ने स्पिन करके और उसको वो एंटी सेमिटिज्म की तरफ ले गई। सही सही। अली सरबर साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगी। ये जो सवाल मैंने अमीर अब्बास से पूछा, मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी कि बार बार जो एंकर सीएनएन की, आपने भी देखा होगा, बार बार कुरैशी साहब को कहती रही कि जी आप ये बार बार यहूद मुखालिफ सोच का इजहार कर रहे हैं, मतलब बाकायदा इल्जाम लगाती रही, हालांकि वो हक सच की बात कर रहे थे। बड़े अच्छे तरीके से, बड़े दो टोक अंदाज में उन्होंने अपना मौकिफ पेश किया, और मेरे ख्याल से बहुत 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 अच्छी और नपीतुली गुफ्तगू की, लेकिन वो बार बार इल्जाम लगाती रही कि आप ये यहूद मुखालिफ सोच का इजहार कर रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो एंकर थी है वो कोई अकेली नहीं है इस सोच की। अमेरिका में सारा मीडिया, सारे अखबारात और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वो सब और पब्लिक ओपिनियन, थिंक टैंक्स, जितने भी ऐसे इदारे हैं जो कि अपनी राय देते हैं और उसका प्रचार करते हैं, वो सब यहूद मुखालिफ जो जिनको वो कहते हैं, वो उनको कोई भी इज़राइल की क्रिटिसिज्म करे तो उनको वो डिक्लेयर कर देते हैं एंटी सेमाइट। तो ये तो अमेरिका में एक आम मसला है कि वहाँ पे इस सोच में एक ऐसा बायस है जो कि बिल्कुल नहीं बदलता। और हद यह है कि मैं तो अमेरिका में रहा हुआ हूँ पोस्टिंग पे, वहाँ पे एक बहुत बड़ा हॉलोकास्ट म्यूजियम है। तो गाइज़, ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म, आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। तो गाइज़, आपको बता दें कि आज फिलिस्तीन और इसराइल के बीच, मैं फिलिस्तीन गलत बोल गया, हमास और इसराइल के बीच जो सीज़ फायर एग्रीमेंट हुआ था उसको लेकर बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाई जा रही थी पाकिस्तान में, और जो हमास, जो गज़ा में जो लोग थे हमास के या जो भी वहाँ के जो भी लोग थे, वो बहुत खुशियाँ मना रहे थे, और खुशियाँ मनाते मनाते उनने फिर से फोर्सेस पर पत्थरबाजी कर दी, जिसके बाद हुआ क्या आपको भी पता है, इसराइल पत्थर का जवाब गोली से नहीं, फिर तो उसके रॉकेट ही आते हैं, तो फिर पेला गया धड़ाधड़ धड़ाधड़। तो दोस्तों, ये मामला लगता है इन बेवकूफ़ों की वजह से रुकने वाला नहीं है, और इसराइल ऐसा है कि फिर वो अमेरिका की भी फिक्र नहीं कर रहा। जो बाइडेन ने उससे बोला कि आप सीज़ फायर एग्रीमेंट करें, तो पहले तो प्राइम मिनिस्टर ये अपने जो है नेतन्याहू, उन्होंने मना कर दिया, फिर उसके बाद मान भी लिया, आज माना, और फिर उसके बाद उन्होंने फिर गोलियाँ चला दी। तो एक्चुअली में उसके पीछे रीज़न था कि यहाँ से पत्थर गए थे। आपको बता दें कि जो फिलिस्तीन के दो हिस्से हैं, एक वेस्ट बैंक है, एक गज़ा है, उसके बीच में है इसराइल। तो जो वेस्ट बैंक वाला हिस्सा है, जो जिसमें फिलिस्तीन की ज़्यादा आबादी है, वहाँ पर शांति रहती है, वहाँ पर ऐसा कुछ नाटक नहीं होता है। लेकिन जो गज़ा वाला इलाका है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा, मतलब आपको भी बता दें कि ये सब नाटक चलता रहता है, और यहाँ से गोली, वहाँ से बम, ये सब चलती रहती हैं चीज़ें। तो गाइज़, आज यही थी सिचुएशन। पहले तो सेलिब्रेट किया, फिर उन्होंने फिर गोलियाँ चला दी, और यहाँ पर जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं, वहाँ पर एक टीवी मीडिया में इंटरव्यू देते हुए इन्होंने कुछ उल्टा सुलटा बोल दिया। यहाँ पर बोल दिया कि इन्होंने कि हमारा दिखाते नहीं हो आप, मतलब फिलिस्तीनियों का दिखाते नहीं हो आप, उनका दिखाते हो, उनको विक्टिम, ये वो, मतलब तो वहाँ पर ऐसा लगा कि ये ज़ुइस के, मतलब यहूदियों के अगेंस्ट ऐसा कुछ हुआ जिसका डिस्कशन पाकिस्तानी मीडिया में हुआ। तो गाइज़, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, एक तो पाकिस्तान जैसी कंट्री जिसके अंदर
टाइम पास के लिए कुछ है नहीं, तो इन बेवकूफ़ों को फ़लस्तीन का मामला भी देखना है, बर्मा के मुसलमान भी देखना है, कश्मीर के भी देखना है, श्रीलंका के भी देखना है, बस इनको नहीं देखना तो अफ़गानिस्तान के जो टर्की वाले मारते हैं उनको, कुर्दों को, उनको नहीं देखना है, और जो अरब वाले मारते हैं यमन में उनको नहीं देखना है, बाकी सूडान के भी मुसलमानों का दर्द है, और कहीं न्यूज़ीलैंड में मुसलमान कुछ, तो इनकी अच्छा टाइम पास है। बेरोज़गार अगर हो आप तो ये अच्छा टाइम पास है, तो अच्छी बात है ये। इन बेवकूफ़ों का यही चलता रहता है ज़िंदगी भर। अभी यहाँ पे पाकिस्तान में गिलगित बल्टिस्तान में दो मौलानाओं ने एक मतलब अपने ईमान को साबित करने के लिए, एक सिया था एक सुन्नी था, आग में जाने की बात की, मतलब लकड़ियाँ खरीदी उन्होंने, लकड़ियाँ जलाई, जो आग में जलेगा उसका ईमान झूठा होगा और जो जिंदा वापस आ जाएगा वो उसका ईमान सच्चा होगा। इस तरीके की हरकतें पाकिस्तान में हो रही हैं। हालांकि उसके ये बात सोशल मीडिया पे आने के बाद उन मौलानाओं का सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया, क्योंकि ये डायरेक्टली सिया वर्सेस सुन्नी का मामला हो जाता और ये होता है, ये सोशल मीडिया की वजह से हमें आज पता चल रहा है, पाकिस्तान में बहुत लंबे समय से होता है और पाकिस्तान में सियाओं को टारगेट किया जाता है। हालाँकि करना क्या है, सिया था मोहम्मद अली जिन्ना, तो बना दी उसने ऐसी कंट्री जहाँ पर सियाओं को ही टारगेट किया जा रहा है। तो दोस्तों अब इसराइल का रोना पाकिस्तानी मीडिया में कब तक चलेगा, जब तक इसराइल पेलेगा तब तक ये रोते रहेंगे। हालांकि इनसे होना कुछ नहीं है, ट्विटर के टीटू सुल्तान हैं ये लोग और कुछ नहीं है, बस ट्विटर पर लिखेंगे, रोना गाना गाएंगे, अगर इंडिया स्टैंड कर देगा तो और ये जलेंगे रोएंगे, बस इनके बस का कुछ नहीं है। तो गाइज़ ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।